मध्य प्रदेश में एमएसपी को लेकर इन दिनों सियासी खींचतान जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश भर के साथ ही नीमच जिले में भी किसान न्याय यात्रा निकाली है, जिसमें किसान व किसान नेता ट्रैक्टर लेकर किसान रैली में शामिल हुए हैं। नीमच में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन व जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया विशेष रूप से मौजूद रहे। ये रैली गांधी भवन से शुरू हुई, जो कि शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नीमच, मनासा व जावद विधानसभा के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्व सांसद नटराजन ने कहा कि एमपी से जब से बीजेपी सरकार आई है, तभी से सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, केवल लागत बढ़ रही है। हमारी मांग है कि सोयाबीन के दाम 6000 रुपए कर दिए जाए। इसके लिए हम लड़ाई करते रहेंगे। आप पीछे मत आओ, आप तो खड़ा रहो। जैसा आप जानते हैं कि 2024 के पहले न्याय यात्रा के दौरान किसान न्याय पत्र राहुल जी के नेतृत्व में तैयार किया गया। हमारी मांग है कि एमएसपी कानूनी हक के तौर पर किसानों को मिले और उसमें उनकी खरीद हो। और पिछले समय में इन्होंने कहा था केंद्र की सरकार ने कि किसान की आय दुगनी करेंगे, ये भी कहा था कि लागत राशि से डेढ़ गुना ज़्यादा भाव मिलेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो ये सरकार स्वर्गीय एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी मंशा थी उसको पूरा करने में अब तक नाकामयाब रही है और केवल कोरे वायदे किए गए हैं। तो हमारी मांग है कि जहां पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने हज़ारों की संख्या में निरंतर संघर्ष किया और 700 से ऊपर किसानों ने अपनी आहुति दी, हमारे अपने संसदीय क्षेत्र के किसान भी इन्हीं मांगों को लेकर 2017 में शहीद हुए। तो ऐसे में जबकि बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ होते हैं, बड़े पूंजीपतियों को अलग अलग रियायतें दी जाती हैं, उनको पैकेज दिया जाता है, तो ऐसे में किसानों का भी हक उनको मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि 6000 सोयाबीन के भाव हों, एमएसपी में खरीद हो और एमएसपी कानूनी हक के तौर पर किसानों को मिले। इसकी लड़ाई राहुल जी पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, निरंतर भट्टा पारसोल से लेकर अब तक वो किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हम सब कांग्रेस जन भी किसानों के हक में इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस कमेटी नीमच के तत्वावधान में आज विशाल किसानों की रैली, ट्रैक्टर रैली निकली और आज सोयाबीन के दाम आप देखिए कि जो 3500 रुपये एक महीने पहले थी सोयाबीन, लेकिन कांग्रेस के लगातार आंदोलन करने के कारण आज वो 4900 रुपये हो गई है। और जब तक 6000 रुपये सोयाबीन का भाव नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस इसी तरह के आंदोलन किसानों के हित में करती रहेगी। प्रदेश के अंदर महिलाओं के संग बलात्कार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, SC ST पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को घर गिराए जा रहे हैं। इसके लिए भी हमने आज राज्यपाल से ये मांग करी है कि इस पे संज्ञान लें। सही नीमच में हो रहा है कि पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में आज जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन है किसानों का। अनिल चौरसिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस।